दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री हम लोग कैसे चेक करेंगे। आधार ऑथेंटिकेशन बोले तो आप लोग अगर कहीं पे आधार नंबर देते हो, आपके मोबाइल पर ओटीपी आता है तो आप लोग यूज करते हो, तो आप लोग उस हिस्ट्री को हम लोग अभी चेक करेंगे। अगर मान लो कि कोई आप लोग बिना बोले आपको आपका आधार कार्ड यूज कर रहा है तो भी आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन आप लोगों को डेट पता होना चाहिए कि किस किस डेट पर आप लोग आपके आधार कार्ड को यूज किया है। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारा इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहेगा आगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री चेक करने के लिए सबसे पहले एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, वहीं से आप लोग सर्च कीजिए UIDAI। आप लोगों को ऑफिशियली वेबसाइट ISO वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दिया गया है, उससे भी आप लोग ये पेज पर आ सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आधार सर्विस पर क्लिक करेंगे। आधार सर्विस पर क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। तो हम लोग यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आधार नंबर एंड वर्चुअल आईडी डाल के भी आप लोग सर्च कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आधार नंबर से सर्च करूँगा। तो यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा फिलअप करेंगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। आपके जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से, उस नंबर पर आपको ओटीपी मिल जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर देख सकते हो ऑथेंटिकेशन टाइप। तो यहाँ पर क्लिक करके हम लोग जो भी ओटीपी यहाँ पर सीने का है तो ओटीपी सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर मैं ऑल पर सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद डेट सिलेक्ट करेंगे, स्टार्टिंग डेट एंड एंड डेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर रिकॉर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मिनिमम आप लोग 50 रिकॉर्ड्स आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ पर डेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट एंड एंड डेट सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर आप लोग कितना रिकॉर्ड चेक करना चाहते हो उतना चेक कीजिए। यहाँ पर मैं 40 दिया हूँ, मिनिमम आप लोग 50 दे सकते हो। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर ओटीपी डालेंगे, जो भी अभी ओटीपी आया है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हो 15/5/2021 टू 15/6/2021 तक जितना भी मेरा आधार कार्ड जिसमें भी आप मैं यहाँ पर दिया हूँ, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा। यहाँ पर एक एक करके देख सकते हो, यहाँ पर आप भी अपना चेक कर सकते हो इसी तरह। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सबसे नीचे के डाउनलोड ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह आप लोग अपना जो भी यहाँ पर आधार लिंकेज है कहीं पे भी, तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो इसी तरह। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है, फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।